हेलो गाइस, वेलकम टू नोबल टेक एजुकेशन। मेरा नाम मोहित शर्मा है और आज के जो टॉपिक्स हैं, आज हम जो सीखेंगे विकिपीडिया का यूज़, ऑनलाइन वीडियोस, लिंक्स एंड कमेंट, कि हम इन सब चीज़ का कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज वो हम सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने किए थे, हमने इलस्ट्रेशन की प्रॉपर्टीज पूरी कर चुके हैं, टेबल्स की हमने पूरी प्रॉपर्टी कर चुके हैं और पेजेस की प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियो इससे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी, तो प्लीज़ हमारी वो वीडियो को जाके देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा विकिपीडिया है। फर्स्ट विकिपीडिया क्या होता है? विकिपीडिया होता है जिसमें हमें आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है नेट से, तो हम कैसे दे सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी नाम लिखा या कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी, रोहित शर्मा लिख दिया, मुझे जैसे इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि भाई क्या है ये। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा पहले इस नाम को, इसके बाद मैं इंसर्ट में जाके विकिपीडिया ऑप्शन का यूज करूंगा। ठीक है, विकिपीडिया ऑप्शन में गए हम, देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है। हाँ, इसके बाद देखिए आ गया ना, जो हमने रोहित लिखा था, हमें रोहित से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हो रही है, देखिए यहाँ पे सारी। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, जिस भी जब कोई वर्ड मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, वर्ड समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप जैसे मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी रोहित की, तो मैंने विकिपीडिया का ऑप्शन यूज करके ये यूज़ कर लिया। ठीक है, आपको कुछ और चाहिए, आप कोई और ले सकते हैं, जैसे नाम कुछ और रख लेते हैं। मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे, तो मैं कोई और इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, जैसे कोई क्रिएटर चाहिए या कुछ और, तो मैं अपने रेसलर ले लिया ऐसे खली। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है भाई खली के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पर हमें कौन सी चाहिए, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। देखिए यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो गई कि भाई वो कब पैदा हुआ था, क्या क्या है, उन्हें क्या क्या कर रखे, पूरी जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी विकिपीडिया ऑप्शन में आपको फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप विकिपीडिया का ऑप्शन यूज करके अपना काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर, ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो क्या होता है? जैसे मुझे ऑनलाइन कोई वीडियो चाहिए, तो ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो पर हम क्लिक करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, है ना। तो पहले हमें अपने यूट्यूब पर जाना पड़ेगा, या कोई भी जो भी आपको वीडियो चाहिए उसका आपको लिंक चाहिएगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए लिंक के लिए गूगल ओपन कर लेता हूँ अपना, हमने ओपन कर लिया जैसे हमने गूगल क्रोम, क्योंकि मेरे को गूगल क्रोम से ही काम करना है। अब मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ, जैसे मैं यूट्यूब से कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो लेनी है, तो आपको कौन सी वीडियो चाहिए, जैसे सपोज मेरे को ये वाली चाहिए थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और ये जो लिंक आ रही है देखिए ऊपर, इस लिंक को हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। मैंने इसको लिंक को सेलेक्ट कर लिया पूरा पहले कि भाई ये वाली लिंक चाहिए मुझे, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा लाइक दिस। इसके बाद मैं राइट क्लिक करके कर सकता हूँ, या कंट्रोल सी कर सकते हैं कॉपी के लिए। कॉपी कर ली मैंने लिंक को, और अपने सॉफ्टवेयर में वापस आते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, ये जैसे यहाँ पे गए, हमें यहाँ पे शो हो रहा है हमारा सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर मेरे को इस लिंक को पेस्ट करना है, जो भी आपको लिंक चाहिए, जो भी आपको वीडियो इंसर्ट करनी है यूट्यूब से कहीं से भी, तो उसके लिंक आपके पास होनी चाहिए, उस लिंक को आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, देन वो वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए जैसे आ गई हमारे पास वीडियो, अब मुझे इस वीडियो को प्ले करना है, तो मैं प्ले भी कर सकता हूँ। देखो जैसे प्ले हो रही है हमारी वीडियो लाइक दिस, वीडियो अनअवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल नहीं है, कोई ना हम दूसरी देख लेते हैं। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, देखिए दूसरी वीडियो ओपन हो गई हमारी। तो आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, फिर इसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर में वापस चलते हैं, जिसमें हमें काम करना है। हमारा सॉफ्टवेयर नीचे मिनिमाइज है, तो हम नीचे चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पे आ गए हम जैसे। ठीक है, अब इसके बाद आता है, देखो ऑनलाइन वीडियो हो गया हमारा, फिर आ गया आता है लिंक्स। लिंक्स क्या होता है? लिंक्स होता है जैसे हमारा, मैंने कोई पैराग्राफ के लिए इज इक्वल टू RND कमांड यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, अब मुझे कोई लिंक बनाना है, जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ इस वर्ड पे, तो कोई फाइल ओपन हो जाए, जो भी फाइल मेरे को चाहिए, तो मैं लिंक का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर लिंक किया, अब किस फाइल के साथ आपको लिंक करना है वो फाइल आप ढूंढ सकते हैं यहाँ से। जैसे मुझे यहाँ से कोई फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ से फाइल देख लेता हूँ कि हमारी फाइल कहाँ पर है। जैसे ये फाइल है, सपोज मुझे डेस्कटॉप पे वाली फाइल चाहिए थी, डेस्कटॉप पे मेरे पास ये फाइल है, मैंने वाली फाइल ली और उसको लिंक कर ली। ठीक है, अब मैं जैसे इसके ऊपर लेके जाता हूँ, तो खा रहा है कंट्रोल के साथ फॉलो करने के लिए। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और क्लिक करता हूँ उस पर, तो जो भी इमेज थी
वो इमेज देखिए हमारी ओपन हो गई है ना। अब ये तो इमेज हो गई, अब चाहो तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल को भी लिंक कर सकते हो, एमएस वर्ड की हो, एक्सेल की हो, कोई भी सॉफ्टवेयर की हो, व्हाटएवर, आप सारी फाइल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं लिंक, ठीक है। फिर आगे आता है बुक मार्क्स। बुक मार्क क्या होता है? बुक मार्क होता है याद रखने के लिए, जैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया हमारा पैराग्राफ और बुक मार्क में गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने ऐड किया मंडे, ठीक है। अब मैंने इस यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, भाई कोई और बुक मार्क दे देते हैं जिससे मुझे याद रह सके। तो मंडे हमने दे दिया, वो दे देते ट्यूसडे, ट्यूसडे दे दिया मैंने अब इसको, ठीक है। आपको कोई कुछ और देना है याद रखने के लिए, रिमेम्बर के तौर पर आप कुछ और दे सकते हैं, जैसे मैंने अब हमने ये वाला ले लिया, सिलेक्ट किया अपने डेटा को, और अब इसके बाद हम जैसे मैंने लिख दिया वेडनेसडे कि भाई वेडनेसडे मैंने क्या काम किया, मेरे को फाइंड आउट करना है कि भाई मैंने मंडे क्या काम किया, ट्यूसडे क्या काम किया, या वेडनेसडे काम क्या किया, या कुछ भी तरीके से आप याद रखने के लिए बुक मार्क का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बुक मार्क ऑप्शन में गया, यहाँ पे देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ रहे हैं। अब मैं जाना चाहता हूँ मैंने मंडे में क्या काम किया, मंडे पे गए देन गो टू, तो इंडिकेशन दे रहा है ना आपको कि भाई मंडे को आपने ये वाला काम किया था। ट्यूसडे क्या काम किया आपने, ट्यूसडे सेलेक्ट कर लेते हैं हम और गो टू, तो ट्यूसडे भी दिखा रहा है कि भाई ट्यूसडे जो है आपने वाले का काम किया है। वेडनेसडे क्या किया, वेडनेसडे आप कुछ और देख सकते हैं, वेडनेसडे मैंने ये वाला काम किया, तो वेडनेसडे ये कर सकते हैं। इस तरीके से रिमेंबर रखने के लिए आप बुक मार्क का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस देखिए यहाँ पे हम ये जो ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस, हम लास्ट में क्लियर करेंगे, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस की जो हमारे बाकी के जो फंक्शन है वो हमारे यहाँ पे आपको रिव्यू ऑप्शन में लास्ट में शो होंगे। सो रिव्यू ऑप्शन में आपको लास्ट में पता, रिव्यू, हाँ रिव्यू में ही आपको लास्ट में बताया जाएगा कि ऑप्शन क्या क्या है वो, ठीक है। तो इसलिए आज जो हम क्रॉस रेफरेंस नहीं कर पाएंगे, उसके आगे का जो है हमारा वो करते हैं, जैसे कमेंट। कमेंट क्या है, कमेंट होता है जैसे हमें कोई याद रखने के लिए कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे हमने सेलेक्ट किया, या मीनिंग के तौर पर कमेंट यूज कर सकते हैं, या कहीं कुछ भी तरीके से आप कमेंट कर सकते हो। उसमें कमेंट में गया, देखिए साइड में शो हो रहा है ऐसे कमेंट। अब जैसे मेरे को उसका मीनिंग बताना था, सपोज कि भाई टाइप का मीनिंग क्या है, तो मैंने टाइप का मीनिंग टाइप ही लिख दिया, ठीक है। या फिर कुछ और रख सकते हो, जैसे मुझे अब मैंने इसको इस पर कमेंट करना है, कुछ इस पर कमेंट कर सकते हैं, तो इस पर भी कुछ भी हम कमेंट कर लेते हैं, जैसे मैंने हेलो लिख दिया। या कुछ और करना है, कुछ और कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंडिकेशन भी हो रहा है कि भाई कितने फ्यू सेकेंड्स अगो, क्योंकि अभी अभी हमने हाल ही कमेंट किया है, और यहाँ पर भी दिखा रहा है भाई फ्यू सेकेंड्स अगो, क्योंकि अभी अभी हमने कमेंट किया है इस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मेरे को देखो इंडिकेशन मिल रहा है ना कि भाई कमेंट आपने किसका किया है। जैसे मैं इस पर गया, तो इसका भी मेरे को देखो एक लाइन इंडिकेट हो गई कि भाई ये जो लाइन आ रही है वो यहाँ इससे कनेक्टेड है हमारी, है ना, टाइप से। तो यहाँ पे भी हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई ये कमेंट मैंने इस वर्ड पे कर रखा है, और मैंने नीचे जो डिफरेंट पे कर रखा है, डिफरेंट पे भी हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई जो आपने कमेंट कर रखा है वो कमेंट आपने डिफरेंट ऑप्शन पे कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हैं इस तरीके से इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो गाइस आज के जो टॉपिक्स थे, हमने जो टॉपिक्स कवर किए आपको मैंने पहले भी बताया था, दोबारा भी कर लेते हैं। जैसे हमने विकिलोपीडिया किया था, ऑनलाइन, ठीक है, लिंक्स लिंक्स के ऑप्शन हमने करे या कमेंट्स किए, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे हेडर, टेक्स्ट और सिंबल्स, ठीक है। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आई होप यू गाइस यू लाइक इट दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी नोवल टेक एजुकेशन। और अभी तक आपने प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारी जो वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है गाइस।